साउथ की फिल्म जर्सी तो आप सभी ने देखी होगी। फिल्म एक ऐसे किरदार पर आधारित थी जो परिवार की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ देता है, लेकिन एक बार फिर से वह 40 साल की उम्र में भारत के लिए क्रिकेट खेलने की आस लेकर बल्ला उठाता है। यदि आप क्रिकेट फैंस हैं तो आपको यह फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। असल ज़िंदगी में भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इस उम्मीद में क्रिकेट खेलते रहते हैं कि उन्हें अपने देश, अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। श्रीलंका के रंगना हैरत, पाकिस्तान के मिसबाउल हक जैसे कई खिलाड़ी हैं जिन्हें 30 की उम्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिला। अब इस फहरिस्त में शहबाज नदीम का नाम भी शामिल हो गया है। शहबाज नदीम को लंबे इंतज़ार के बाद भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। 30 साल की उम्र में शहबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की। बिहार, झारखंड, सनराइजर हैदराबाद जैसी टीमों के लिए शहबाज ने काफ़ी क्रिकेट खेला और शानदार प्रदर्शन भी किया। इसके बाद भी इस खिलाड़ी को टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया गया। रणजी के 2015 सीज़न में शहबाज ने 51 और 2016 सीज़न में 56 विकेट लिए। इन दोनों सीज़न में यह खिलाड़ी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था। 2018 में खेली गई दिलीप ट्रॉफी में जब अपने 10 ओवर के स्पेल में शहबाज ने 10 रन देकर 8 विकेट लिए, तब यह खिलाड़ी अखबार की हेडलाइन बन गया। आईपीएल में शहबाज ने दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गेंदबाजी की है। 64 आईपीएल मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने 42 विकेट लिए हैं, जो कोई बुरा आंकड़ा नहीं है। आखिर क्यों चयनकर्ताओं की नज़र इस खिलाड़ी पर नहीं पड़ी? वे टीम इंडिया में अपनी जगह डिजर्व करते थे। खैर, देर से ही सही, कम से कम चयनकर्ताओं ने इस खिलाड़ी को देश के लिए खेलने का मौका तो दिया। उम्मीद करते हैं कि शहबाज नदीम इस मौके का शानदार फ़ायदा उठाएं और अपने करियर को बड़ा बनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसे अभी सब्सक्राइब करें।